दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि वन स्टॉप सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि समाज कल्याण शाखा की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दुमका झारखंड से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो पोस्ट की अगर पहली बात करें तो ये आपका केंद्र प्रशासक का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से केवल महिला यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। ठीक है, तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में ये आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इनके पास, या तो यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विविध से ये आपका ग्रेजुएशन की हुई है तो भी अप्लाई कर पाएगी। ठीक है, वेतन की अगर बात कर लेते हैं तो 30,000 रुपये इसकी यहाँ पे मंथली होगी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर बात करें आवश्यक कार्य अनुभव की, तो इसमें दिया गया है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से यहाँ पे 5 वर्ष की इसकी कार्य अनुभव होनी चाहिए, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे प्रीफ्रेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें दूसरा पोस्ट का, तो ये आपका जो कि केस वर्कर का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से महिला यहाँ पे अप्लाई कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में इसे भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक कार्य अनुभव की अगर बात कर लें तो ये भी यहाँ पे दिया गया है कि गैर सरकारी यहाँ पे या सरकारी संस्था से 3 वर्ष का ये आपका कार्य अनुभव होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हिंसा जैसे मुद्दे पर आपका कार्य अनुभव होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी वेतन की, तो 20,000 रुपये ये आपका पर मंथ यहाँ पे रखी गई है। तीसरा अगर पोस्ट की बात करें तो ये परामर्शदाता का निकाला गया है, जिसमें से ये भी आपका केवल महिला ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी। इसकी अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो सामाजिक कार्य से या यहाँ पे ये आपका दिया गया है नैदानिक मनोवैज्ञानिक से आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि आवश्यक कार्य अनुभव भी रखी गई है, जैसे कि देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सरकारी या गैर सरकारी संस्था से भी आपका यहाँ पे या यहाँ पे दिया गया है जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी भी आपका मानसिक स्वास्थ्य संस्था से आपका 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। 25,000 रुपये इसकी पर मंथ यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी भी रखी गई है। चौथा पोस्ट की अगर बात कर लें तो ये पोस्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निकाला गया है, जिसमें से महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लें तो कंप्यूटर विज्ञान में या यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी में आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। आवश्यक कार्य अनुभव की अगर बात कर लें तो डाटा मैनेजमेंट देख पा रहे हैं कि या प्रोसेस ये आपका वेब बेसिक रिपोर्ट यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पे वेतन की, तो 25,000 रुपये ये आपका यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे वेतन रखी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। पाँचवा पोस्ट की अगर बात कर लें, ये पोस्ट जो है बहुउद्देश्य का निकाला गया है, जिसमें से केवल महिला कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे 10th किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं तो इजीली अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं सहायक अनुसेवक के रूप में ये आपका कार्य करने का 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखी गई है। बात कर लेते हैं इसकी वेतन की, तो ये जो वेतन आपको मिलेगी ये आपका टोटली 10,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट जो है ये आपका सिक्योरिटी गार्ड का निकाला गया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका शैक्षणिक योग्यता 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि ये राज्य या जिला स्तर से सरकारी या किसी भी संगठन से यहाँ पे दिया गया सुरक्षाकर्मी के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपको यहाँ पे देनी होगी। यहाँ वेतन की बात कर ले तो 10,000 रुपये इसकी वेतन जो है पर मंथ रखी गई है। अप्लाई करने की सारी प्रोसेस है यहाँ पे बात कर लेते हैं, डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता देते हैं कैसे अप्लाई करनी है। अप्लाई करने की यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करना है, ये जो है यहाँ पे दिया गया है www.requirement.jharkhandgovernment.in पे ये जो वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपको जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अप्लाई के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स अपलोड जो करनी है डॉक्यूमेंट्स, वो क्या क्या अपलोड करना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र, पठनीय योग्य जो है यहाँ पर स्व अभि प्रमाणित करके अपलोड करना है। ठीक है, तो ये जो है पोर्टल पर जा करके आप इजिली जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करनी है, इसकी डेट क्या यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है वो अंतिम डेट 19/11/2022 तक दिया गया है। ठीक है,
टेंथ और यहाँ पे ट्वेल्थ जो है झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त से आपका यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 1/8/2022 से आपका एज का भी गणना किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लास्ट डेट की अगर बात कर ले अप्लाई करने की, तो यहाँ पे दिया गया कि मेघा सूची जो है अंतिम जो है 5/12/2022 को आपका यहाँ पे निकाला जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया अंतिम तिथि जो है 12/12/2022 तक रखी गई है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी मुझे कर सकते हैं। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।